हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है खंड ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और इस पुस्तक की इकाई 1 प्रमुख अवधारणाएं का अध्याय 4, जिसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। बच्चों, इस पाठ के इस अध्याय के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे और कुछ जो टॉपिक्स बचेंगे वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ, तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि अंग्रेजी का जो शब्द लिबर्टी होता है उसको हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्रता वह संकल्पना है जो समस्त लोकतांत्रिक नियमों के मूल में निवास करती है। और स्वतंत्रता वह संकल्पना है जो समस्त लोकतांत्रिक, यानी कि समस्त लोकतंत्र के जो नियम बने हुए हैं लोकतांत्रिक नियमों के मूल में निवास करती है, यानी कि उनके मूल में निवास करती है। लिबर्टी तथा फ्रीडम, जिसे हिंदी भाषा में स्वतंत्रता कहते हैं, शब्दों का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि रोकों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव या बंधनों का अभाव। तो क्या इसका अर्थ क्या है कि लिबर्टी और फ्रीडम का क्या है हिंदी में अर्थ? स्वतंत्रता है, और जिनका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। विस्तृत रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता एक शब्द नहीं आंदोलन है। और अगर विस्तृत यानी कि विस्तारित रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता एक छोटा सा शब्द नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है। स्वतंत्रता की परिभाषाएं, तो बच्चों बड़े कई अलग अलग विद्वानों ने स्वतंत्रता की परिभाषा को अलग अलग रूप में, अलग अलग शब्दों में, अपने अपने रूपों में, अपने अपने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इन विद्वानों ने स्वतंत्रता की परिभाषाएं दी है। पैट्रिक हेनरी, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। और पैट्रिक हेनरी कहते हैं कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो, यानी कि या तो मेरे प्रतिबंध जो आपने मुझ पर प्रतिबंध जो या रोग जो बंधन लगा रखे हैं या तो उनको हटाओ, या फिर मुझे मृत्यु दे दो, यानी कि या फिर मुझे मृत्यु दे दो या फिर मुझे मार दो। अब हम देखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि ये मेरा जन्म से ही अधिकार है और मैं स्वतंत्रता लेकर रहूंगा। उसी प्रकार जो बर्लिन नाम के जो विद्वान हैं वो कहते हैं, स्वतंत्रता तब बढ़ जाती है जब संप्रभुता सही हाथों में होती है। तो बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता फ्रीडम तब बढ़ जाती है जब संप्रभुता, यानी कि उस पर स्वामित्व जो संप्रभुता होती है वह सही हाथों में निहित होती है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, अब हम देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस प्रकार दी है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, स्वतंत्रता कुछ करने का अधिकार है, वह कुछ जिसकी आज्ञा कानून देता है। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि स्वतंत्रता कुछ ऐसे कार्यों को करने का अधिकार है जिसकी आज्ञा हमें कानून देता है, यानी कि कई हमारे मौलिक अधिकार, जैसे हमें स्वामी शिक्षा का अधिकार है, हम किसी भी धर्म जाति या लिंग होने पर भी मतलब शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और समय समानता का अधिकार, यानी कि कोई भी हमारे साथ जाति लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि बेकुनिन जो विद्वान है उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो बेकुनिन कहते हैं, जहाँ राज्य आरंभ होता है वहाँ स्वतंत्रता समाप्त होती है। कि जहाँ पर क्या होता है, राज्य आरंभ होता है, यानी कि किसी राजा का शासन जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पर स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जहाँ स्वतंत्रता आरंभ होती है वहाँ राज्य समाप्त होता है, और जहाँ पर स्वतंत्रता का आरंभ हो जाता है, यानी कि जहाँ पर जब व्यक्ति आज़ाद हो जाता है या फिर कानूनी रूप से जो कार्य उचित है उनको करने के लिए वह स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ पर राज्य समाप्त होता है, यानी कि जहाँ पर राजा का जो शासन होता है जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ होता है वह समाप्त हो जाता है। हेनरी एडम्स, अब हम देखेंगे कि हेनरी एडम्स नाम के विद्वान ने स्वतंत्रता की परिभाषाएं किस प्रकार दी है।
तो हेनरी एडम्स कहते हैं निरंकुश स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। तो निरंकुश जो स्वतंत्रता है वो क्या है? प्रतिबंधों का अभाव है, यानी कि जो बंधन है या फिर जो रोक है उसका अभाव ही स्वतंत्रता है। दायित्व प्रतिबंध होते हैं, और दायित्व यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या होती है? प्रतिबंध होते हैं। अतः आदर्श रूप में स्वतंत्र व्यक्ति अपने प्रति उत्तरदायी होता है, और आदर्श रूप से स्वतंत्र व्यक्ति क्या होता है? अपने प्रति उत्तरदायित होता है, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति या आदर्श व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है तो वह अपने लिए अपने प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। यानी कि जब स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ समझने लगेगा या उचित रूप से वह स्वतंत्र होगा तो वह उन्हीं कार्यों को करेगा जो कि उचित हो, वह कभी भी कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी कि जो कानूनी रूप से उचित नहीं है या अनुचित है वह कार्य वह नहीं करेगा, यानी कि वह अपने प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है। इजा बर्लिन, अब हम देखेंगे कि इजा बर्लिन ने स्वतंत्रता की परिभाषाएं किस प्रकार दी है। तो इजा बर्लिन कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ जंजीरों, कैद तथा दासता से मुक्त है। इजा बर्लिन का कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? जंजीरों, कैद या दासता से मुक्त, यानी जो लोग दास है या जो दास प्रथा में निहित है। कई लोग क्या करते थे, जो शक्तिशाली जो लोग होते थे पहले के जमाने में प्राचीन समय में, वो क्या करते थे, जो शक्तिहीन लोग होते हैं ना उनको क्या करते थे, अपने अपने घरों पे घर में दास बना लेते थे, उनसे कठोर मेहनत करवाते थे और उन्हें सही मजदूरी भी नहीं देते थे। तो उनसे मतलब जंजीरों से, कैद तथा दासता से मुक्ति ही क्या है? स्वतंत्रता है। अब हम देखेंगे बच्चों की स्वतंत्रता, लिबर्टी और फ्रीडम, उसके कितने प्रकार है। तो हम देखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार, विभिन्न राजनीति वेताओं की परिभाषा के अध्ययनों के पश्चात स्वतंत्रता के दो विचार है। और हमने इतने सारे विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी है, तो उस पर उन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्रता के दो विचार है। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता यह वह स्थिति है, यानी कि वह सिचुएशन है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, जिसमें भी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती या कोई बंधन नहीं होता। इसी मानने वाले विचारक लिबर्टी शब्द को अधिक महत्व देते हैं, और इसे जो मानने वाले जो विचारक होते हैं वो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता शब्द को अधिक महत्व देते हैं, जिसका अर्थ होता है बंधनों का न होना। नकारात्मक पक्ष का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन से हैं देखते हैं। तो नकारात्मक पक्ष का समर्थन करने वाले विचारक हैं लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, स्पेंसर तथा जे एस मिल के नाम प्रमुख है। जे एस मिल कहते हैं अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। यानी कि विचार, धर्म, प्रकाशन और व्यवसाय या अंतकरण के लिए, संबंध बनाने के लिए व्यक्तियों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हमारे देश में या एक दूसरे लोगों के बीच में व्यापार होगा तो उससे एक दूसरे को लाभ होगा, अगर लोगों को लाभ होगा तो हमारे देश को भी लाभ होगा। स्पेंसर ने अपने धर्म अपने ग्रंथ मैन वर्सेस स्टेट, यानी कि स्पेंसर के जो अपने धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने जिसका नाम है मैन वर्सेस स्टेट में राज्य को मानव स्वतंत्रता का विरोधी माना है। तो राज्य उन्होंने स्पेंसर ने क्या अपने ग्रंथ जो है मैन वर्सेस स्टेट में क्या माना है, राज्य को मानव स्वतंत्रता का विरोधी माना है, कि मानव की स्वतंत्रता का विरोधी कौन है, राज्य है। क्योंकि अगर राजा का शासन होगा तो वह मानव को स्वतंत्रता पूरी तरह नहीं मिल पाएगी। यह किसका मानना है, स्पेंसर का मानना है, और उन्होंने ये मैन वर्सेस स्टेट नाम के अपने ग्रंथ में बताया है। नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं, अब हम देखेंगे जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यानी कि जब प्रतिबंध या बंधनों की बहुत कम मात्रा रह जाए या फिर वे कम रह जाए तो वे क्या है, स्वतंत्रता है। राज्य के कार्य क्षेत्र विस्तार के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित, यहाँ तक कि समाप्त भी हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि जब राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार होता जाता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाती है और यहाँ तक कि समाप्त भी हो जाती है। कम से कम शासन करने वाले सरकार अच्छी होती है, और कम से कम शासन करने वाली
यानी कि कम समय के लिए शासन करने वाली सरकार होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि बार बार वो शासन बदलेगी तो जो मानव होता है या जो जनता होती है उसको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने नेता वगैरह या अपना शासन लोकतंत्र चुनने की छूट होती है। जैसे कि हमारे भारत देश में है जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता में से शासन होता है, और अपने नेता वगैरह चुनने के लिए जनता स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। तो कम से कम शासन करने वाली जो सरकार होती है वह सबसे अच्छी होती है। मानव हित में खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए और मानव के हित में यानी मनुष्य के मनुष्य का हित भी सद जाए और खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। सरकारी संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं होता है, और जो सरकारी जो संरक्षण होता है वो व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं होता है। अब हम देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। हमने पहला प्रकार स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वतंत्रता देखा है, अब हम इसका दूसरा देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। मनुष्य अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ ही नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियां गढ़ सके, तो वह क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसके समर्थक है हिगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की और मैकफर्सन और स्पेंसर। प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है। यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि उसको कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता हो जिसकी वह इच्छा करता हो, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उस कार्य को करने के दौरान किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है वो सड़क पे छाता लेके जा रहा है, बारिश नहीं हो रही लेकिन वो छाता लेके घूम रहा है, और वो फिर क्या होता है, एक दूसरा आदमी जा रहा है तो उसकी आंख में चोट लग जाती है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी छाते से मेरी आंख में चोट लग गई, तो वो बोलेगा मुझे तो अधिकार है, स्वतंत्रता है इस छाते को मतलब लेके घूमने की, तो वह चीज गलत है, क्योंकि उसका घूमना स्वतंत्र रूप से उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना तो सही है, लेकिन उन कार्यों से क्या नहीं होना चाहिए, किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, या वो ऐसा कार्य ना करे जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवर्तक इस धारणा को भ्रममूलक मानते हैं। मनुष्य एक स्वायत्त इकाई है तथा उसका अध्ययन समाज से विलग रहकर भी हो सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानते हैं। इन विचारकों ने समुदाय के हित को व्यक्ति के हित से ऊपर माना है, यानी कि समुदाय जो होता है जो समाज के हित को क्या माना है, व्यक्ति के हित से ऊपर माना है। कांट कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करता है वह स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। और जो कांट जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि वह गुलाम है, क्योंकि वो अपनी जो आदतें हैं, अपनी प्रवृत्तियां हैं या अपने कार्य करने की जो इच्छा है उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। लॉस्की जो विद्वान है वो कहते हैं स्वतंत्रता को सकारात्मक मानता है। लॉस्की क्या मानता है? स्वतंत्रता को सकारात्मक मानता है, जिसका अर्थ है उचित अवसरों की उपस्थिति। यानी लॉस्की मानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, उचित अवसरों की उपस्थिति ही क्या है, स्वतंत्रता है, यह मानते हैं लॉस्की। अब हम देखेंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता की क्या क्या विशेषताएं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि उचित प्रतिबंधों का साथ है। तो इसकी विशेषता क्या है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध नहीं है, यानी कि प्रतिबंधों की कमी नहीं है बल्कि उचित प्रतिबंध है। यानी कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तब उसे सजा का प्रावधान है। ये नहीं कि मान लो कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है या हत्या करने की उसे छूट है वो कर देगा तो कुछ नहीं, लेकिन अब वो किसी को हानि पहुंचा रहा है तो वो उचित प्रतिबंध है, यानी कि वह उचित रोक है, वैसा होना भी चाहिए। समाज और व्यक्ति के हित परस्पर मूलक है, यानी कि समाज और जो व्यक्ति है उसके हित जो है वो परस्पर पूरक है, यानी कि एक दूसरे के बिना वो पूरी, मान लो समाज के हितों की पूर्ति हो गई और व्यक्ति के हितों की नहीं हुई तो व्यक्ति भी निराश रहेगा और मतलब वह उसका किसी समाज के हित को वह साथ देगा नहीं। लेकिन अगर समाज और व्यक्ति दोनों के हित एक दूसरे से सद रहे हैं तो वह परस्पर एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। तीसरा देखते हैं राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। यानी कि मान लो
राज्य की जो सत्ता है यानी राज्य पर जिसका राज्य पर जो शासन है, व्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। यानी कि कुछ राज्य के कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो व्यक्ति की गलत प्रवृत्तियों को रोकते हैं, तो ये दोनों सत्ता, राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। पूंजीपति और मजदूरों को अपने परस्पर हितों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। और जो पूंजीपति जो लोग होते हैं और जो मजदूर यानी कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं और जो शक्तिहीन लोग होते हैं, उनको अपने परस्पर हितों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यानी कि क्या होता है, कई शक्तिशाली लोग जो होते हैं वो शक्तिहीन लोगों के साथ गलत करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, जो शक्तिहीन लोग होते हैं वो अच्छी प्रकार से या पूरी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते, तो उससे भी इसको नुकसान हो सकता है। तो इन दोनों को ही क्या करना क्या चाहिए, पूंजीपति और मजदूर को क्या करना चाहिए, परस्पर हितों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रकार, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का वह रूप जो किसी मनुष्य या मानवीय संस्था से प्राप्त होकर प्रकृति प्रदत्त हो। यानी कि स्वतंत्रता का वह रूप जो किसी मनुष्य मानवीय संस्था से प्राप्त होकर प्रकृति से ही प्रदत्त हो। प्राकृतिक स्वतंत्रता मनुष्य के जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, प्राकृतिक स्वतंत्रता है मनुष्य की, वो जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। यानी कि जन्म से ही उसे मिलती है, जिसे व्यक्ति स्वयं भी हस्तांतरित नहीं कर सकता। मान लो किसी व्यक्ति की जो प्राकृतिक जैसे चीज़ें आती है, उसमें जन्म के साथ ही आती है, जैसे उसका रंग होता है, उसकी जाति होती है, उसका धर्म होता है, ये उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता ही है। और मनुष्य अगर व्यक्ति चाहे भी तो उन्हें किसी और को नहीं दे सकता। जैसे कि मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा जात है या मेरा धर्म है, इसे आप ले लो, तो मनुष्य चाहकर भी इसे क्या नहीं कर सकता, हस्तांतरित नहीं कर सकता। हस्तांतरित का अर्थ होता है किसी को दे नहीं सकता। रूसो कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यानी कि रूसो जो विद्वान है वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेता है, लेकिन वह बहुत सारे बंधनों में जकड़ा होता है, जिसके बहुत सारे रिश्तों में जकड़ा हुआ होता है, जैसे कि माँ बाप इन सब चीज़ों में भी जकड़ा होता है। उसे विवाह करना पड़ता है, विवाह के बाद उसे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना होता है, तो वह क्या होता है, सर्वत्र बंधनों में वह जकड़ा होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वयं से संबंधित निर्णय करने का पूर्ण अधिकार तथा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता ही क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि व्यक्ति स्वयं से संबंधित निर्णय लेने का कि उसके पास पूरे अधिकार हो, वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे कर सके, तो वह क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। और लोकतांत्रिक शासन में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही महत्व रखती है। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना प्रारंभ होता है, नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए क्या करता है, कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचाने पर उतारू हो जाता है, और तब क्या हो जाता है, तब इसका नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तो उस पर अधिकार हो, अपनी अनुसार अपने कार्यों को वह करे, लेकिन उन कार्यों से किसी को हानि ना हो। अगर किसी को हानि होगी तब उन पर प्रतिबंध या नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। नागरिक स्वतंत्रता, अब हम देखेंगे कि नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और समाज द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी राज्य द्वारा उनको उनकी स्वतंत्रता प्राप्त हो और समाज द्वारा स्वीकृत हो। यानी कि राज्य द्वारा तो उनको मान्यता प्राप्त हो और समाज के द्वारा वह स्वीकृत हो, तो वह क्या होगी, नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में जो लिखित संविधान जो मूल अधिकार है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता जिसके अंतर्गत नागरिक राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, वो क्या होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। गिलक्रिस्ट कहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का पर्यायवाची
मानता है, और जो गिलक्रिस्ट जो विद्वान है वो राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का पर्यायवाची मानते हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिक मतदान, चुनावी सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार रखता है। और ये मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता क्या कहती है कि सभी व्यक्तियों के यानी देश के जो नागरिक हैं उनको मतदान करने का, चुनाव लड़ने का और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनमें उन इन पदों को धारण करने की योग्यता होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्येक प्राणी को अपनी जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा एवं सुविधा प्राप्त हो। आर्थिक आधार पर विषमता न्यूनतम हो और शोषण का दायरा न्यूनतम हो तो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी कि मान लो किसी शक्तिशाली व्यक्ति को व्यापार, बिजनेस करने का या उद्योग चलाने का अवसर प्राप्त है तो वह गलत होगा। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि शक्तिशाली और शक्तिहीन व्यक्ति हो उसको मतलब जो उचित उद्योग वगैरह होते हैं या उचित प्रकार से वह साधनों का प्रयोग कर पाए और वह अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाए तो वह होती है आर्थिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को किसी भी धर्म या संप्रदाय से आस्था रखने की छूट धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, यानी कि एक व्यक्ति को यानी कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म या संप्रदाय में आस्था रखने की छूट है और यही क्या कहलाती है, धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति अपने धर्म के रीति रिवाज, पूजा एवं अन्य रस्म रिवाज का प्रचार करने की स्वतंत्रता रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये अधिकार होने चाहिए कि वह अपने रीति रिवाज, पूजा एवं अन्य रस्म रिवाज का प्रचार करने की स्वतंत्रता रखता हो तो यह क्या होती है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है। नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर अगर कार्य करे तो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जैसे कि स्वार्थ, लोभ, घृणा, दुर्भाव जैसे चारित्रिक दुर्बलता का अभाव नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सामाजिक स्वतंत्रता, मनुष्य या समाज द्वारा जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर प्राप्त स्वतंत्रता अर्थात इन के आधारों पर भेदभाव न किया जाना सामाजिक स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति से या मनुष्य से किसी के भी समाज द्वारा मतलब जो पूरा समाज है उसके द्वारा जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव ना किया जाए, किसी से भेदभाव ना करे तो वह क्या होती है, सामाजिक स्वतंत्रता होती है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार इसी का समर्थक है और हमारे जो संविधान है उसमें जो लिखा हुआ है समानता का अधिकार वो अधिकार जो है वो इसी का समर्थक है, यानी कि समानता के अधिकार से हमें ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी हमारे साथ जाति, लिंग भेद, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, विदेशों के आदेश पालन से मुक्ति या किसी विदेश शासन व्यवस्था का हस्तक्षेप नहीं हो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं गौण हो जाती है, अतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं से महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है, यानी कि हमारे जो विदेशों के जो आदेश पालन है या उससे क्या होता है, किसी विदेशी शासन व्यवस्था का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संवैधानिक स्वतंत्रता, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता जिसमें रक्षा की पूर्ण गारंटी होती है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता में शासन भी कटौती नहीं कर सकता, जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने हमारा जो अध्याय है स्वतंत्रता और समानता के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, अब इसके जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले इस चैप्टर के जो टॉपिक बच गए हैं उनके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।